आज की तारीख है 18 दो चौबीस और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है इकतीस बारह अठानवे नाइन्टी एट की मुरली है और मुरली का शीर्षक है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत से मुक्त सदा विजयी अनुभव करो मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज नवयुग रचता बाप दादा और अति स्नेही सदा सहयोगी अति समीप बच्चों को नवयुग और नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख कर मुबारक ले रहे हैं बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग और उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं मेजोरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हो चाहे समीप बैठे हैं सभी के मन में यही उमंग और उत्साह है कि इस वर्ष में हम कुछ नवीनता करके दिखाएंगे चाहे स्व के परिवर्तन में चाहे सेवा की सफलता में चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना के द्वारा परिवर्तित करने के उमंग में भी अच्छा है उत्साह भी बहुत अच्छा है साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पद्म गुणा मदद अवश्य देते हैं इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो कभी भी स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग वरदानी युग पुरुषोत्तम युग डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियों को वर्षे में सहज प्राप्त करने का युग इसीलिए इस युग के महत्व को सदा सिमरती में रखो अब हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा से याद प्यार तो बाप दादा कहते हैं अच्छा तो बहुत बहुत याद प्यार सहत सब प्रकार की मनसा से वाचा से सब रूप से बाप दादा पदमा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं अभी एक सेकंड में सभी पावरफुल संकल्प से दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को पुरानी वर्ष को पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दे दो एक सेकंड सभी दृढ़ता में सफलता है इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ अच्छा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अभी सुनेंगे वरदान तो शिव पिता सतगुरु का वरदान टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव मीठे मीठे दादा आगे कहते हैं कि वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी और परेशान है विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है आप उन्हें हिम्मत दो जैसे किसको टांग यानी पैर नहीं होते हैं तो लकड़ी की टांग बना करके उनको देते हैं तो वो चलने लगता है ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो स्लोगन है निर्माण बनो कोमल नहीं निर्माणता ही महानता है अच्छा ओम शांति